हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने नए YouTube ब्लॉग में। आज मैं आया हूं जयपुर में और ये जयपुर मेट्रो है। मेट्रो स्टेशन का नाम है बड़ी चौपड़। यहां से अभी मैं आपको हवा महल दिखाने वाला हूं, तो चलिए मेरे साथ साथ चलते हैं, आज जयपुर का थोड़ा भ्रमण करते हैं। एक नंबर गेट से निकलने पे हवा महल सिटी पैलेस का रास्ता जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पिंक सिटी जयपुर में। बात करें हम यहाँ की मेट्रो की, अभी मेट्रो से हमने बाहर निकला, मेट्रो भी यहाँ की काफ़ी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल दिल्ली की मेट्रो जैसी है। और ये जयपुर की पिंक सिटी। तो दोस्तों ये है बड़ी चौपड़ की चौरास्ता और यहाँ पे बहुत साल पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, जो कि ये सारी जो दुकानें हैं ये पूरी 100 साल 200 साल से कोई भी पुरानी नहीं है, कम पुरानी नहीं है दुकानें। और ये शाम का टाइम है, बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है। अभी हम एक भाई साहब से बात कर रहे थे तो बताया कि आप गलत टाइम पे आए हो, अभी इस टाइम पे हवा महल बंद हो गया है। तो अभी मैं आपको हवा महल अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, वैसे बाहर से चलिए हम देख के आते हैं, फिर कल सुबह आएंगे तो फिर हवा महल को हम लोग अंदर से देखेंगे और सिटी पैलेस को। ये है भाई हवा महल जयपुर का। तो भाई अभी ये हवा महल और यहाँ के आसपास के बिल्डिंगों को देख के अभी समझ में आया मुझे कि इसको पिंक सिटी क्यों बोला जाता है। एक्चुअली यहाँ पे आसपास के एरिया में इतने पिंक कलर की बिल्डिंगों के पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी शॉप है, काफ़ी ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा शॉप है। यहाँ पे लेडीज़ की शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। और एक और व्यू पॉइंट है वहाँ पे सामने हवा महल के जस्ट, तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं वहाँ से, एक बार आपको मैं ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए। तो चलिए उस वाले बिल्डिंग पर चढ़ते हैं हम लोग ऊपर। काफ़ी अभी कुछ लड़के वहाँ पर और लड़कियाँ वहाँ पर चढ़ के सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर जाके आपको दिखाने के लिए।
वहाँ से हवा महल कैसे दिखता है और ये पिंक सिटी कैसी दिखती है। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों। तो यहाँ से भाई एकदम बिल्कुल दिखता है जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। तो दोस्तों ये था जयपुर हवा महल के आसपास का एरिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी एक नया YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँ और मैं नई नई चीज़ें नई नई जगहों पे जाके और सर्च करके आपको दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।